देखा मेरा दोस्त बीबी बीबी। हाँ बीबी। यूबी यूबी। बीबी। यूबी देखो मैं क्या बन के आया हूँ। देखो मैं एकदम अच्छा लग रहा हूँ ना। जानते हो यूबी, मैंने ये अपनी खुशी से नहीं पहना है। आज सुबह से जहाँ पर भी दोजी मुझे देखता है डंडा लेके पीछे पड़ जाता है, उसी से बच रहा हूँ। मेरी मदद करो यूबी और मुझे अपने पास अपना पांडा बना के रख लो। ताकिमी तुम मुझे इतना बड़ा पांडा तोहफे में क्यों दे रही हो? ये तोहफा तुम्हारे लिए नहीं यूबी के लिए है। अरे बाबा वो तो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत अच्छा है ये, शुक्रिया। यूबी देखो मैं क्या लाया। पांडा पांडा पांडा। ये दो दो पांडा कहाँ से आ गए? ये तो बहुत अच्छा है, जरूर किसी मेले में बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई होगा। इसकी आंखें तो ऊपर नीचे हो रही है। इसने मेरी नाक कट दी थी। ये तो चल फिर रहा है, ये तो चारों तरफ चक्कर काट रहा है। मिचे ओ। हाँ ताकिमी। जो पांडा मैंने यूबी को दिया था वो दाती और दाइबुत्सु देखना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी लाया। यूबी तुम अपना पांडा लेकर यहीं पर रहना वरना वो उसे ले जाएंगे। ताकिमी ये तो बिल्कुल असली पांडा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। अगर ये बोलेगा तो हम इसे बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। ये लो जूस। मिचू यूबी कहाँ है, मुझे उसे पूछना है उसे पांडा कैसा लगा। मैंने जब यूबी से पूछा तो वो बहुत खुश हो गया और उसने कहा ये बहुत अच्छा है। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ यूबी क्या कर रहे हो? ये तो नीचे पहुंच गया। ए मिचू क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। अरे यूबी ये वाला मैं यहाँ पे यहाँ छुपा देता हूँ। ये क्या कहना चाहता है? आप समझे यूबी को लग रहा है ये असली पांडा है तो उसके साथ खेल क्यों नहीं रहा है? यूबी वो असली पांडा नहीं नकली है। हाँ बिल्कुल नकली है लेकिन असली की तरह बाहर आ गया। अरे हम तो यहीं बैठे थे फिर वो पांडा अंदर से बाहर कैसे आ गया? ये पांडा तो बहुत भारी है। हाँ लेकिन मुझसे ज्यादा भारी नहीं होगा, ये बड़ा प्यारा है, ऐसा लगता है इसे घर ले जाओ प्यारा पांडा। इसमें से तो आवाज भी आ रही है। अरे वो देखो वो क्या है? अरे यूबी को जुकाम हो गया है क्या? हाँ इसे जल्दी जुकाम हो जाता है, क्यों है ना यूबी? बीबी बीबी डोटा का क्या डोटा 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 डोटा। बीबी 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 दोजी डोटा 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 डोटा। ये बाहर इतना शोर कौन कर रहा है? चलो सब लोग अंदर चलो नहीं तो ठंड लग जाएगी और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देखो यूबी मेरे दोस्त वहाँ पर आए हुए हैं तो मुझे उनके पास जाना होगा। अब तो लगता है यूबी सारा वक्त उसी पांडा के साथ खेलता रहेगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यूबी यूबी क्या कर रहे हो? ये दूसरा पांडा कहाँ से आ गया? नहीं 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 यूबी यूबी पांडा की तस्वीर बनाई है क्योंकि ये पांडा हमें बहुत पसंद है। हमें लगा कि तुम्हारे घर दो दो पांडा है। हाँ बिल्कुल। हमें ये बहुत पसंद आया।
पांडा को संभाल के रखना। बीबी? ना रख पाओ तो मुझे देना। मेरे घर भी बहुत जगह है। बाय। बाल बाल बच गए यूबी। अच्छा तो पांडा के भेस में डोटा छुपा हुआ बैठा था। इतनी देर से तुम सब मिलकर मुझे बुद्धू बना रहे थे और मैं बनता रहा। हाँ तुमने मुझे बताने की कोशिश की थी लेकिन शायद मैं समझा नहीं। अच्छा ये बात अब मैं समझा, लेकिन यूबी अब इसकी मरम पट्टी करवाने के लिए सारा खर्चा कौन करेगा? लगता है इस महीने की जेब खर्च गई। जोरों की भूख लग रही है, पता नहीं मम्मी कब तक आएंगी। हाँ? इतनी बड़ी गाड़ी? ए मीची मैं घूमने जा रहा हूँ, चल रहे हो क्या? मैं मेरे मम्मी पापा के साथ एक बड़े होटल में खाना खाने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी पूछ लूँ, चल रहे हो क्या मीची? आज तक तो नहीं खाया है। हाँ तो आज के दिन खा लो ना, चलो मेरे साथ, तुम्हें मजे कराता हूँ, जल्दी चलो। अरे वाह तुम तो बड़े दिलदार हो ताती। चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे ये क्या, तुम इन्हीं कपड़ों में मेरे साथ होटल में चलोगे? जाओ जाओ कोट पैंट पहन कर आओ। कोट पैंट? वो तो मेरे पास नहीं है। अरे तो तुम नहीं आ सकते? मैं तो चला, बाय बाय मिचियो, गुड नाइट। तातिया तुमने जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाया, मैं जानता हूँ। भूख की वजह से पेट पे चूहे कूद रहे हैं। हेलो मैं मीचियो बोल रहा हूँ। मम्मी। मीचियो बेटा मैं अपनी सहेली की यहाँ आई थी लेकिन वो कह रही है कि अब खाना खा कर जाना, इसलिए तुम अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना बेटा। ठीक है मम्मी। मम्मी ने कहा कि आज खुद ही कुछ बनाकर खा लो। मैं सूप पियो, गर्मा गर्म सूप। पता नहीं ये भूख क्यों नहीं मिट रही। आज तो तातिया होटल में बढ़िया खाना खा रहा होगा। वेटर! कल उसने स्कूल में भी खाने पीने को लेकर मेरा मजाक उड़ाया था। अच्छा मीचियो तुम्हें ये पहचानना है कि मैं क्या खाकर आया हूँ। अगर आज तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें मेरे घर पे स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। कोई इशारा तो दो। बनाना केक, चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी, मुशी मुशी, बताओ मैंने क्या खाया है, जल्दी बताओ। तातियो आराम से एक बार फिर से कहना। तो लगता है ये सारे नाम तुमने पहली बार सुने हैं, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़े होटल वालों, मीचियो नाम के लड़के को होटल में आने मत देना। मैं बड़े होटल में जा के आऊंगा। तातियो को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यूपी तातियो तो कोट पैंट पहन कर आया था, मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे भी बड़े होटल के अंदर खाना जरूर खाएंगे। दी। दी। हाँ, वो रहा। हम यही रुक जाते हैं यूपी। बाहर तो दरबान खड़ा है, हम अंदर कैसे जाएंगे यूपी? यूपी रुको तो। बोलिए आपको क्या काम है? हम यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। नहीं नहीं आप अंदर नहीं आ सकते हैं, यहाँ सिर्फ सूट पैंट वाले लोगों को आने की ही इजाजत है। बीबी, 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 बीबी। आइए आइए आपका स्वागत है, आइए। यूबी तुम्हारा जादू हमेशा मेरी मदद करता है, तुम कमाल के हो। बीबी, बीबी। कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, वहीं रुक जाइए। ओह माफ कीजिएगा मुझे, आइए। इस पर भी तुम्हारे जादू का असर हो गया यूबी। वाह यूबी वाह।
बेटा तातियो, सूप पीते वक्त ऐसे सुपड़ सपड़ आवाज नहीं निकालते, बुरी बात है। देखो तातियो बेटा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे पिया जाता है, वो भी बिना आवाज के। तातियो को तो ढंग से सूप पीना भी नहीं आता। यूपिया तो हर चीज बहुत महंगी है, खाना खाने के बाद होटल के बर्तन साफ करने पड़ेंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बड़े घर के बच्चे बहुत ही अच्छे लोगों की तरह बिना मुंह से आवाज निकाले खाना खाते हैं, समझे तातियो? ठीक है मम्मी। तातियो का सूप हमारे पास आ गया, ये लो। अरे मुझे सूप का स्वाद क्यों नहीं रहा? अरे सूप कहाँ चला गया? अरे सूप। तातियो अब सूप को भूल जाओ और जल्दी से ये खा लो। अरे वाह, पालक पनीर आ गया। ये क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। मुझे माफ कर दो मम्मी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अरे हाँ, ये कहाँ उड़ रहा है? अरे मेरा खाना, ये मेरा खाना। अरे वाह वाह, चलो यहाँ से। अरे मम्मी छोड़ो, नाक कटवा दी इस लड़के ने। अरे अरे माफ कर दो मुझे। आप लोगों ने जो हमारी 100 प्लेटों को टूटने से बचाया है, तो ये सारा खाना फ्री है हमारी तरफ से। क्या मम्मी, मुझे पालक पनीर तो खाने देती। अपना मुंह बंद करो तातियो, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें आज रात खाना नहीं मिलेगा। कल सुबह का नाश्ता भी मत देना इसे। बिना कोट पैंट पहने इतना अच्छा खाना खाने को मिला है, सब तुम्हारा कमाल है यूबी। मम्मी कितने दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए, कहीं पिकनिक पर भी नहीं गए हैं। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे पापा आए तो उनसे कह देना। पर उससे क्या फायदा होगा, पापा मेरी कोई बात सुनते कहाँ है। ठीक है आने दो उनको, आज मैं उनसे खुद बात करूँगी। मम्मी की मिर्चियाँ तैयार होके आओ, टोक्यो जाएंगे घूमने हम सब। अरे ये क्या, अचानक से टोक्यो जाने का इरादा कर लिया मुझसे पूछे बिना? पूछा नहीं जानबूझ के मैंने मम्मी की मिर्चियाँ नहीं काटी आज तक कोई बात तुमने मेरी, जब तो काटोगी कैसे ये अब। मिर्चियों के पापा आप भी ना बहुत। याहू, पापा ने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली। देखा मिर्चियो, तुम्हारे पापा कितने अच्छे इंसान हैं, हम सबको जबरदस्ती टोक्यो ले जा रहे हैं घुमाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुफ्त में ऑफिस से पास मिले हो इसलिए टोक्यो ले जा रहे हैं। चुप करो मिर्चियो, पापा से कह दो। टोक्यो जाने वाली बुलेट ट्रेन अब तैयार है, यात्रियों से निवेदन है वो जल्द से जल्द अपने अपने डिब्बों में। पापा पापा, पुकारा किसने? मिर्चियो आओ जल्दी जल्दी आओ। अरे वाह पापा, आपने बुलेट ट्रेन में टिकट बुक कराई है। पापा आपने तो कमाल कर दिया। यूपी, मैंने सुना है कि ये ट्रेन सबसे तेज चलती है, इससे तेज कोई ट्रेन नहीं है। है कोई तो एक कम हमारे बीच। अरे यूपी कहाँ गया? यूपी यूपी कहाँ जा रहे हो, कहीं खो गए तो मुसीबत में पड़ जाओगे। देखो हमारे पास ढेर सारी जगह है, आस पास खेलो ना, ज्यादा दूर मत जाओ। मम्मी कहाँ है? नहीं पता। अब मैं मम्मी को कहाँ कहाँ ढूंढूं? अरे लगता है ट्रेन छूटने वाली है, जल्दी चले जल्दी। आप कौन है? माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। नहीं नहीं ठीक हूँ। जरा संभल के चलिएगा। आप भी संभल के चलिए। मम्मी जल्दी आइए। अरे जल्दी के चक्कर में ही तो गिर पड़ी। वो अंकल कौन थे मम्मी? पता नहीं, पर आप उनसे बात कर रही थी। बेटा इस दुनिया में बिना वजह आपसे कोई नहीं टकराता, उसका आपसे जरूर कोई पिछले जन्म का रिश्ता होता है। आई बात समझ में? ट्रेन चलने वाली है, दरवाजे बंद हो रहे हैं। हे
हैं, नूडल्स मिलते हैं बहुत ही बढ़िया इस ट्रेन में मम्मी की मिर्ची। आपको तो कुछ भी अच्छा लगता है, पता नहीं यूबी को कैसा लग रहा है। मम्मी खाना खाकर कोई कहानी सुनाइए ना। मैं आज तुम लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाने वाली, चुपचाप खाना खाकर सो जाओ, मुझे श्री शोजी की नावल पढ़नी है। श्री शोजी की नावल? हाँ ये देखो जासूसी नॉवल, वैसे तो ये 5 रुपए में मिलती है लेकिन मैंने 10 रुपए दे के खरीदी है। अरे दिए क्यों कर बर्बाद 5 रुपए तुमने? अरे मिचियो के पापा आप मेरी पसंद की खरीदारी को बर्बादी कह रहे हैं। कहूँ क्या और, हूँ कमाता पैसे मेहनत से इतनी और देती हो तुम उड़ा नॉवल में जासूसी, जबकि है घर के अंदर बैठा बड़ा सबसे जासूस तुम्हारे यानी कि मैं, है पड़ती नहीं नजर उस पे तुम्हारी, कभी तो दो ध्यान जासूस पे कमाल के, है गया हो वक्त मेरी का जासूसी, बाय। तेरे पापा को तो दुनिया के सारे काम आते हैं। हाँ मम्मी कहाँ खो गए आप? अपनी श्री शोजी के जासूसी कारनामों की याद में। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे कौन है आप? चुप बैठो, हल्ला मत मचाओ। हमारी सीट में हम हल्ला नहीं मचाएंगे तो और कौन मचाएगा? थोड़ी देर बाद मचाना। अब मचा लो हल्ला, शुक्रिया। हाँ ये सब क्या हो रहा है मम्मी, ये आदमी कौन था? मिचियो था थोड़ी देर पहले, आया डिब्बे में हमारे कोई क्या। हाँ पापा आप कहें तो उसे ढूंढकर आपसे मिलवाऊं। इनको नमस्ते करके जाओ। है नमस्ते अंकल जी। यूपी जादुई मशीन के होते हुए हम भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? चलो साथनी को मशीन से ढूंढते हैं। बस काम हो गया है, अगला स्टेशन आते ही मैं उसे सूटकेस में डालकर बाहर फेंक दूंगा, उसके बाद आप संभाल लेना। ये क्या हो रहा है यूपी? अब मैं आराम से बैठकर खाना खा सकता हूँ। कांपना बंद करो यूपी। यूपी मैं आ गया। यूपी रुक जाओ। यूपी रुक जाओ। हाँ पापा ये आपको क्या हो गया, पैसे क्यों लेते हुए हैं? लगता है पापा ने कोई भयानक चीज देख लिया है यूबी। पापा होश में आ रहे? होश में आ जाइए पापा। मैं कहाँ था, हुआ क्या मेरे साथ? अरे आप सब कुछ भूल गए क्या, आप तो जासूसी करने निकले थे। मैं और यूबी उस आदमी को ढूंढ रहे थे, फिर आप हमें बेहोश पड़े मिले। आपने खाना ठीक से तो खाया था ना पापा? था खाया तो, पर रहा नहीं आया था, हुआ क्या साथ मेरे? श्री शोजी की नावल पढ़िए, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। आ गया याद है, फेंकने वाला भर के सूटकेस में किसी को कोई कंपार्टमेंट में बगल वाले। सूटकेस में भर के, अगर ऐसी हालत में श्री शोजी होता तो वो क्या करता? वो क्या करते? आँख बंद करके 10-15 घंटे सोचता और फिर कहता जो हो रहा है उसे होने दो, मुझे क्या। काम पे चलता है, होता नहीं आसान डालना किसी के काम में, पैर रोकूं कैसे मैं उसको। मिचियो कितनी कोल्ड ड्रिंक पियोगे, सो जाओ अब। बस थोड़ी सी और मम्मी। सच बोल रहे हो ना? हाँ हाँ मम्मी। हाँ ये कौन छोड़ गया? मम्मी जरा देखिए इसमें क्या है। अभी देखती हूँ। एक मिनट, अगर इसमें कोई खतरनाक चीज हुई तो कुछ पता नहीं चल रहा है।
अब हमें इसे खोलकर देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या 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 चीजें भरी पड़ी हैं। ऐसा क्या? नहीं कुछ किया मैंने, छोड़ दो मुझे। सुजुमोटो डरने की जरूरत नहीं है, मैं जासूस हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं इस ट्रेन में अपनी एक नई कहानी खोजने चढ़ा हूँ, क्योंकि ट्रेन के ऊपर मैंने अभी तक कोई कहानी नहीं लिखी, लेकिन आज इस ट्रेन में मेरा सपना पूरा हो गया। ये तो शेरी शोजी की नॉवेल है। वैसे मैं जल्दी किसी को ऑटोग्राफ देता नहीं हूँ, क्योंकि कोई मांगता ही नहीं है, लेकिन आज मैं आपको अपना सबसे लंबा और चौड़ा ऑटोग्राफ दूंगा, क्योंकि आप ही मेरी सबसे बड़ी फैन हैं। क्या बात। ये लीजिए मैडम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जासूस श्री छोजी जी। आप इतने बड़े जासूसी लेखक हैं, जासूसी नॉवल लिखते हैं, बच्चों के लिए कोई कॉमिक क्यों नहीं लिखते? अगर आप लिखेंगे तो मैं भी खरीदूंगा, शौक से पढ़ूंगा। जरूर, क्यों नहीं मिचियो बेटा, मैं अपने बेटे से कॉमिक लिखने के लिए कह दूंगा। सब यात्री उतर जाए, गाड़ी सीधा यार्ड में जाएगी, सीधा यार्ड में जाएगी। अरे हम सोते रह गए और स्टेशन निकल गया। पापा मम्मी जल्दी उठिए। पापा मम्मी उठिए। यूबी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हम लोग सोते रह गए और स्टेशन निकल गया। यूबी? अब ये सब तुम्हें बताकर क्या फायदा होगा? अरे वाह यूबी, हम टोक्यो पहुंच गए, अब तो बड़ा मजा आएगा, है ना यूबी?